क्या कर रहे यार, आपस में लड़वाई जा रहे हैं मुर्गों को। यार ये वाली मुर्गी और वो जो पीछे ये पट्टा है ना, ये आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं, इसी वजह से इन दोनों को मैं इकट्ठे नहीं खोल। 100 देसी चूजे दोस्तों हम लेके आने वाले हैं। दोस्तों आज इतना बड़ा नुकसान हो गया कि यार बताया नहीं जा रहा। हमारा इतना ज्यादा अच्छा फाइटर मुर्गा यार, इतनी ज्यादा लड़ाइयां लड़ने वाला मुर्गा आज एक्सपायर हो गया यार। बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। सनी भाई तो उसके पास ही नहीं जा रहे। सनी को सिर्फ इसने एक दो बार मारा है, उसके बाद सनी से इतना ज्यादा डरने लग गया था। लेकिन फिर भी ये हमारा परिंदा हमें बहुत ज्यादा प्यारा था, आज जब एक्सपायर हुआ ना तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है यार। ये देखो बेचारा कैसे लेटा हुआ है, और यार समझ नहीं आ रही कि ये एक्सपायर कैसे हुआ है। और इतना ज्यादा वजनी है यार, अभी भी ये तकरीबन 3-4 किलो का मुर्गा है। माशाल्लाह बहुत ज्यादा हैवी मुर्गा है। गर्मी की वजह से एक्सपायर हुआ है, और गर्मी लगने की वजह ये है कि इससे ये ऊपर छलांग लगा के आया ही नहीं गया। ये यहाँ से छलांग लगा के ना इस वाले यानी कि केज के ऊपर से आ जाता ना तो बाहर आ जाता। आना था इसने, आ जाता तो पता नहीं क्या हुआ यार, आज आया नहीं है और गर्मी की वजह से एक्सपायर हो गया। बाहर आ जाता तो इसने बजा ना था, ये बाहर नहीं आ सका, इसी वजह से इसको ऊपर डायरेक्ट धूप आती रही है और ये बेचारा एक्सपायर हो गया। मुर्गी हमारी बेचारी अकेली रह गई है। चनी भाई इसके साथ ना नया वाला मुर्गा भी लेके आना है। तुम ना तब तक मास्टर केज वाले सारे परिंदों को दाना पानी डालो, और मैं इसको उठा के ना नीचे लेके जाता हूँ और इसको ना मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। यार अभी भी बहुत ज्यादा हैवी वेट है, तकरीबन 4 किलो का तो ये यानी कि जरूर हो गया। तो इसको नीचे जाके दबाता हूँ। क्या हो गया, क्या हो गया, बीमार है, मर गई है? वो कैसे मर गई है यार, सनी क्या हो गया यार, ये खरगोश नहीं कैसे मर गई है? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, सुबह तक बिल्कुल ठीक थी यार, पता नहीं क्या हो गया इसको। बाहर निकाल इसको, पीछे मैं आता हूँ अंदर। यार एकदम से यार ये हमारे चपरिंदे मरने शुरू हो गए हैं। ये देखो यार स्मेल आ रही है यार, इसको पता नहीं क्या हो गया। इसको फिलहाल बाहर लेके जाता हूँ मैं और इसको देखते हैं क्या मसला हो गया इसको। यार सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, दो जानवर आज हमारे एक्सपायर हो गए हैं यार, इतना बुरा लग रहा है। ये तो खरगोशनी भी बहुत ज्यादा प्यारी थी यार, इतनी प्यारी खरगोशनी थी, दो परिंदे जानवर हैं। सनी यार क्या हो रहा है यार हमारे सेटअप पे, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। इतनी गंदी स्मेल यार, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। इसको मरे हुए तकरीबन 3-4 घंटे हो गए हैं, इसी वजह से इसके अंदर से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। बहुत ज्यादा बुरा हाल है यार सनी, बहुत बुरा हाल है यार, मुझे तो पसीने आ गए एकदम से, इसकी इतनी बुरी स्मेल आ रही है। सनी इसको उठाओ यार, तुमने नहीं उठाना बल्कि इसको मैं खुद ही उठाता हूँ। इन दोनों को ना दोस्तों उसके अंदर डालते हैं बाल्टी के अंदर, और नीचे जाके ना इनको मिट्टी के अंदर दबाते हैं। अगर इनको ऐसे छोड़ दिया ना तो किसी जानवर ने कुत्ते वगैरह ने खा के ना इनको बीमार हो जाना, तो मैं नहीं चाहता किसी जानवर को नुकसान हो। तो इन दोनों को उठा के ना मैं फिलहाल नीचे दबाने के लिए लेके जा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है तो जल्दी से इनको ना उठा के जाके मिट्टी के अंदर दबाता हूँ। पूरे सेटअप पर स्मेल फैल गई है यार। सनी तुझे नहीं आ रही? मुझे तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। इसको उठाओ यार जल्दी से, इसको उठाता हूँ मैं। बाल्टी कहाँ गई? बाल्टी में लेके आया था, ये पड़ी है बाल्टी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है जी आप लोगों का हमारी नई वीडियो के अंदर। दोस्तों हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है यार, बहुत ही ज्यादा मजे का मौसम हुआ हुआ है। मैं और सनी भाई छत के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं यार, सनी को तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार। और भाईजान सीन कुछ ऐसे कि यार कल हमारा एक मुर्गा और एक खरगोश एक्सपायर हो गया था, वो जो आपने अभी वीडियो देखी है वो कल की वीडियो थी। तो उसको उनको दफनाने के बाद यार मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया व्लॉग बनाने का। अभी यानी कि मौसम बहुत ज्यादा प्यारा हो गया था, इसी वजह से हम छत पे आ गए हैं और व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। और यार हमारा तो भाईजान स्विमिंग पूल वाला प्रोग्राम ही, सनी भाई प्रोग्राम बढ़ गया यार। मैं आज सनी भाई ये देखो दिखाओ, ये पेंट और ब्रश कलर सारा कुछ लेके आए हैं सामान, ताकि हम अपना स्विमिंग पूल का काम कंप्लीट कर लें। इसके अंदर हमने ना पेंट करना है, पेंट के लिए हम यहाँ पे ले आए हैं कलर, ब्लू कलर लेके आए हैं, ताकि पानी इसके अंदर ना काफी ज्यादा अच्छा नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे आके पता चला जी आज तो मौसम ही बहुत ज्यादा खराब है, बारिश हो जानी है सनी भाई। अगर हमने पेंट कर दिया ना दोस्तों तो आप लोगों को पता ही है खराब हो जाएगा पेंट, इसी वजह से आज हम पेंट नहीं कर रहे, कल करेंगे सनी भाई। तो सबसे पहले यार अपने जानवरों को तो बाहर निकालो, यहाँ पे पानी मैंने रखा है, ये गंदा पानी निकाल देता हूँ। ये ऐसे 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 अभी अभी साफ पानी आ गया बच के, और हमारा सील मुर्गा। सनी यार ये लेयर वाला मुर्गा कितना बड़ा हो गया,
दोस्तों हम जब 50 चिक्स लेके आए थे ना, आपने हमारे चैनल पे देखा होगा, हमने 50 चूजे लिए थे सर्वाइवल के लिए, उसमें से एक बच गया, बाकी हमने गिफ्ट कर दिए, कुछ एक्सपायर हो गया। और ये देखो ये जो एक बचा है कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह, कहीं से बर्फ हॉल, ओहो वाह जी वाह, नीचे रखे इसके, हाँ फुल येलो था, इसके सारा कलर गायब हो गया, व्हाइट हो गया माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है। सर इसके दोबारा ना कलर कर दें, इसके पर काट के ना दोस्तों, हम सोच रहे हैं कि इसको दोबारा कलर करते हैं, इसके साथ और लेके आते हैं 10 बार चूजे, इसके साथ, इसके साथ मैं सोच रहा हूँ फिर 100 चूजे और ना ले आए, हैं धक्के नहीं लेके आनी यार, धक्के तुझे पता बहुत ज्यादा गंद मचाती हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इस चूजे के साथ ना इस दफा सनी भाई 100 देसी मुर्गे ला के छोड़े जाए, 100 देसी चूजे दोस्तों हम लेके आने वाले हैं, देसी चूजे दोस्तों आप लोगों को पता सरवाइव कर लेते हैं, ये जो है होते हैं कलर चिक्स, ये तो बहुत जल्दी जल्दी मर जाते हैं। पर कौवा कहाँ गया, ओहो दोस्तों वो यहाँ पे ना एक कौवे ने घर बनाया हुआ है, वो बार बार हमारे सेटअप पे आता है, उसको ऐसे लगता है वो उधर चीले, हाँ वो उड़ के गया, वो उड़ के गया, ये यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इसने घोंसला बनाया हुआ है, ये बार बार हमारी छत के ऊपर आके बैठ जाता है, इसे ऐसा लगता है कि हम इसके बच्चों को ना डराएंगे और मार देंगे, ऐसा इसलिए डर के ना हमें फूंगे मारने के लिए आता है। तो आज के क्या हुआ है, इतनी तेज हवा की वजह से ना उसका बेचारे का घोंसला ही सनी भाई खराब हो गया यार, हम उसकी हेल्प भी नहीं कर सकते, वहाँ पे चढ़ने का भी कोई इंतजाम नहीं है, वरना उसके बच्चों को हम बचा लेते। मुझे लगता है कि 2-3 बच्चे इसके जरूर होंगे, जिस तरह से हम हमारी तरफ मारने के लिए आता था, इसका मतलब कि इसने बच्चे दिए होंगे यार, बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है यार, इसके बच्चे बेचारे के बच्चे एक्सपायर हो गए होंगे, हाँ और यार हमारी मुर्गी बेचारी अकेली रह गई है सनी यार, इसका नाम रानी है और ये बेचारी अकेली रह गई है, कल राजा मुर्गा एक्सपायर हो गया है, हमने एक दो दोस्तों को बोला हुआ कि यार कोई मुर्गा शुर्गा हो तो ना, अच्छा फाइटर लड़ने वाला मुर्गा हो, हाँ हैवी वाला मुर्गा लेना है इस बार, लड़ने वाला मुर्गा, क्या यार आप इस, ये जो हमारा मुर्गा एक्सपायर हुआ ना यार, इसने भी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन ये बेचारा अपनी ना एक आंख कानी होने की वजह से एक्सपायर हो गया, इससे बाहर ही नहीं निकला गया, इसी वजह से बेचारा एक्सपायर हो गया। ओ यार सनी चेक करो यार, हमारे परिंदे कितने मजे से बैठे हैं, लाइन बॉय सारे एक ही स्टिक के ऊपर बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन भी बैठे हुए हैं, डब्स भी बैठी हुई हैं, असल में आज हवा बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है ना, इसी वजह से हमारे सारे परिंदे बहुत ज्यादा मजे में हैं। सनी उड़ाओ इनको, ओह कितने मजे से उड़ रहे हैं, सनी इन सबको उड़ाओ यार, चेक करते हैं, दिखाओ बच्चे कितने हो गए हैं, निकाल निकाल इनको भाई निकाल, ओए यार ये तो काफी बड़ा हो गया सनी, बच्चे एक और है उसको रहने दे यार, तू ना इनको मार ही ना दे यार, सनी जब बच्चों को पकड़ता ना बहुत सख्त हाथ से पकड़ता है, इसी वजह से मुझे डर ही रहता है कि सनी इन बच्चों को मार ही ना दे, सनी को अभी परिंदों को पकड़ना नहीं ना आया, इसी वजह से यार तू बड़े सख्त हाथों से पकड़ता है, इनको उड़ा जरा मजे करे ये यार। सनी वैसे हमें चाहिए कि हम ना तकरीबन 5-10 बजरी के और जोड़े लेके आए ऑस्ट्रेलियन पैरट के, हाँ मास्टर केज के अंदर रौनक हो जाएगी, मैं सोच रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन पैरट के 10-12 जोड़े और लेके आए जाएं। आप लोग बताएं कि हमें कौन से पैरट और लाने चाहिए, क्योंकि यार मुर्गियों से आजकल मेरा दिल थोड़ा सा कटा हो गया है, जब से हमारा मुर्गा मरा ना सनी भाई, मेरा तो दिल कर रहा है यार मुर्गियाँ खत्म कर दो, क्या ख्याल है, खरगोशों का हमने ना यहाँ पे सेटअप अच्छा सा बना देना, खरगोश हम रखेंगे और परिंदे रखेंगे, मुर्गियाँ हमने कम कर देनी है, और रह भी कौन सी गई है, या मुर्गियाँ कम कर देंगे या देसी चूजे लेके आएंगे यार, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मोटी उठाया हुआ है ये बालों वाली चुड़ैल, क्या कह रही है यार, ये फीमेल है, इसको ये वाला मेल क्रॉस भी कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्या सीन है, बच्चे से अच्छे क्यों नहीं आ रहे, उम्मीद है कि एक माह के अंदर अंदर ना इसके बच्चे आ जाएंगे बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे से, और बड़े बालों वाले आएंगे, क्योंकि ये जो फीमेल है ना ये बहुत ज्यादा बड़े बालों वाली और काफी ज्यादा अच्छी फीमेल है, और इसको कौवा आ गया यार, ये बार बार हमें मारने के लिए आता है, इसका कोई इलाज बताओ यार, हमने इससे बहुत ज्यादा तंग आया हुआ है, कौवे को पकड़ने के लिए ट्रैप, उनका घोंसला है उसको हम तंग कर सकते हैं, अगर हम ट्रैप लगा के इसको पकड़ लेंगे तो इसके बच्चे बेचारे परेशान हो जाएंगे, इसी वजह से इसको हम पकड़ेंगे नहीं, इसको वैसे भगा देते हैं, उड़ जा उड़ जा यार, बड़ा ही ढीठ है यार ये, यहाँ से कोई चीज उठाता हूँ ये उठा के मारते हैं इसे, भाई भाग जाए यहाँ से, ओ देखो फिर मेरे सर के ऊपर आ गया, वो भाग गया, वो वहाँ पे इसका घर है, ये देखो फिर दोबारा वापस आ गया, और आकर वो सामने बैठ गया, बहुत ही ज्यादा ढीठ आती है यार ये सनी भाई, बाहर आ जाओ, और यार इतनी तेज हवा की वजह से हमारी तरपाल तो भजन
लीरो लीर हो गई है। ये देखो यहाँ पे हमने लटकाई थी वो, उसका वो क्लिप पड़ा हुआ है और ये हमारी नीचे तरपाल पड़ी है, सनी सारी फट फुट गई है यार, क्या करें नई तरपाल बनवानी है। लोहे की तरपाल कौन सी होती है पागल आदमी, परिंदे उड़ते हैं खोते नहीं उड़ते, सिर्फ तोते उड़ते हैं, ये वाला खोता नहीं उड़ता होता। कव्वे का क्या करें यार, कुछ नहीं कर सकते हम कव्वे का, क्योंकि इसके बच्चे हैं इसी वजह से हम इसके साथ ज्यादा नहीं कर सकते। और यार ये बतखें क्या कर रही हैं, बार बार अंदर जाने के लिए कोशिश कर रही हैं। सनी इनको अंदर भेज दो आज, मास्टर केज में बंद कर दे इनको आज। हाँ ये तो है यार, चलो इनको दाना दो यार ला कर। और यार उनको छुड़वा, मुर्गी और पत्ता लड़ गए हैं आपस में, छुड़वा इनको, ए छुड़वा दे, क्या कर रहे हैं यार आपस में लड़वाई जा रहे हैं मुर्गों को। यार ये वाली मुर्गी और वो जो पीछे ये पट्टा है ना, ये आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं, इसी वजह से इन दोनों को मैं इकट्ठे नहीं खोलता, लेकिन आज इनको खोल दिया इसी वजह से ये आपस में लड़ रहे हैं। चलो दाना खाओ, चलो शाबाश, हाँ खाना शुरू हो गई है, वो भी आके यहाँ से खा लेंगे। बतखो आ जाओ, आप भी आ जाओ। यार ये वाली बहुत ज्यादा डरती है मुर्गी से, लेकिन आज तो यार इनकी पड़ गई सनी भाई, बतखों को भी मार पड़ रही है यार। ये देखो क्या हो गया रहा यार आज हमारे सेटअप पे। और यार मुर्गी का तो सनी भाई बहुत ज्यादा दुख है, इस मुर्गी के साथ ना इंशाल्लाह एक दिन के अंदर अंदर एक मुर्गा लाके छोड़ देंगे, बड़ा सारा फाइटर मुर्गा। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।